हेलो हाय गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है विनाकर पे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे डेली की तरह हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से कनेक्ट हो जाइए सभी बच्चे। तो सेशन स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि वाटर ड्रॉपलेट्स कॉज रेनबो ड्यू टू, जो आपको इंद्रधनुष दिखाई देता है बारिश के बाद, उसके पीछे रीज़न क्या होता है, ये आपसे पूछा है। उसके पीछे रीज़न जो होते हैं, तीन रीज़न होते हैं, तीनों रीज़न आपको यहाँ पे बता रही हूँ। हालांकि ऑप्शन में मेंशन नहीं है, बट तीनों रीज़न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और इसके साथ आपको याद करना है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, ये तीन रीज़न होते हैं, इनका मतलब समझते हैं। आइए, इनका मतलब क्या होगा देखिए। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को परावर्तन करना, रिफ्लेक्ट करना। तो कोई लाइट, जैसे बारिश हुई, बारिश के बाद जो मौसम होता है, आपको पता है थोड़ा मॉइस्चर होता है इस एयर में, वहाँ पे जब एकदम से लाइट गिरती है, तो कुछ लाइट जो होती है रिफ्लेक्ट होती है, कुछ लाइट रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है, कुछ लाइट वापस भी जाती है, कुछ लाइट जो है उस मॉइस्चर के अंदर एब्जॉर्ब भी हो जाती है, और फिर वहाँ पे क्या होता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। देखो, ये लाइट यहाँ से आ रही है, ये जो मॉइस्चर है वो थोड़ा सा वेट होता है, गीला होता है। ठीक है, क्योंकि बारिश हुई है, जैसे ये लाइट इसमें से पास होगी, ये जो है एक वाइट प्रिज्म की तरह काम करता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। जैसे ये लाइट इसमें से पास होगी, ये आपका एटमोसफेयर है, जो मैंने राउंड किया है, ये आपका समझो बारिश वाला एटमोसफेयर है। तो इसमें से लाइट जब पास होगी, तो सात डिफरेंट कलर्स में टूट जाती है। उन डिफरेंट कलर को याद कैसे रखोगे, ट्रिक उनके लिए होती है विबग्योर। विबग्योर इसका मतलब क्या होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सात कलर्स के अंदर ये वाइट लाइट जो है टूट जाती है, और इसी के साथ रेनबो का या इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं उनको भी स्टिक से याद करोगे, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं, तो इस स्टिक से याद रखोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, निम्न में से कौन समूह से संबंधित नहीं है। आपको चार मॉन्यूमेंट्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, बुलंद दरवाजा, आगरा फोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया, जोधा बाई पैलेस। ठीक है, इसमें से एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ा सा डिफरेंट है इन तीनों से, उसको पहचानना है। आंसर होगा, देखिए, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, अकबर के द्वारा। आगरा के किला का निर्माण अकबर के द्वारा। जोधा बाई पैलेस भी अकबर ने बनवाया था, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया है जो है वो अकबर ने नहीं बनवाया था। और यही इन तीनों में जो है समानता नहीं है, क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया अकबर ने नहीं बनवाया था, तो किन्होंने बनवाया था उनका नाम याद रखना है, पूछा जाता है। उनका नाम है जॉर्ज विटेट, जॉर्ज विटेट नाम आपको उनका यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है, महाराष्ट्र में मुंबई के अंदर लोकेटेड है। और एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, बुलंद दरवाजा क्या है, कहाँ पे बनाया गया है। फतेहपुर सीकरी का जो महल है, फतेहपुर सीकरी का जो महल है, उसका जो फ्रंट वाला दरवाजा है, मेन गेट है, उसको बुलंद दरवाजा कहा जाता है। ये आपको इसमें एक पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वर द एशियन गेम्स हेल्ड इन इंडिया, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया गया था, ये आपको बताना है। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन जो है 1978 के अंदर किया गया था, ए सही आंसर होगा आपका इसके लिए। इनकी शुरुआत कहाँ से की गई थी, 1951 से एशियन गेम्स की शुरुआत हुई थी, 1951 से। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको याद रखनी है, हर चार साल में एक बार होते हैं, 4 ईयर्स में एक बार ये गेम जो है आयोजित किए जाते हैं। 2018 में कहाँ हुए थे, इंडोनेशिया के जकार्ता और पैलेमबैंग शहर में हुए थे। अब बात करते हैं 2018 के बाद होंगे, 2024 में कहाँ होंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये चाइना के अंदर होंगे, नेक्स्ट जो 4 साल बाद होंगे, तो 2022 में होंगे, सॉरी 2024 में, 2022 में होंगे, और 2022 में कहाँ पे होंगे, चाइना के अंदर होंगे। तो ये चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर्स को भी हमने कवर किया है, और जो स्टैटिक पार्ट है उसको भी कवर कर लिया एशियन गेम्स का, तो आंसर होगा 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ह्यूमन बॉडी द पेनक्रियाज इज अ पार्ट ऑफ, मानव शरीर में अग्राशय किसका भाग होता है। पेनक्रियाज कहाँ पे स्थित होता है, ये देखिए इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं, ये स्टमक है, स्टमक के बिल्कुल पीछे की तरफ जो है, जैसे कि मान लो ये वाला स्टमक है, इसके बिल्कुल पीछे की तरफ लगा लो, वहाँ पे पेनक्रियास प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर है, पेनक्रियास कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसकी लोकेशन भी आपको समझ में आ गई होगी। अब पेनक्रियास के जो इम्पोर्टेंट काम है वो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत ही
मेन रोल निभाता है ये हमारे शरीर के अंदर। तो इसका सबसे बड़ा योगदान होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, पाचन तंत्र के अंदर। इसके जो भी रोल है वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। सबसे पहले जो हम हॉर्मोन्स की बात करते हैं, तो इसके द्वारा दो हॉर्मोन रिलीज होते हैं, एक का नाम है इंसुलिन और दूसरे का नाम है ग्लूकाजोन, ग्लूकाजोन। इंसुलिन का पता है आपको, डायबिटीज को कंट्रोल करता है। तो ये क्या करता है, जो शुगर का लेवल होता है उसको हमारे शरीर में कम करता है, नियंत्रित करता है। लेकिन ग्लूकाजोन क्या करता है, शुगर के लेवल को इंक्रीज करता है। क्लियर है ये बात कि हमने हॉर्मोन्स की, तो सिर्फ दो हॉर्मोन रिलीज होते हैं। एंजाइम के बारे में अगर क्वेश्चन आए कि एंजाइम कितने रिलीज होते हैं यहाँ से, एंजाइम मैं आपको ऊपर लिख देती हूँ, वहाँ पे स्पेस कम है। एंजाइम्स की बात यहाँ पे अगर हम करते हैं, तीन टाइप के एंजाइम यहाँ से रिलीज होते हैं। एक होता है प्रोटीएज, दूसरा होता है एमाइलेज और तीसरा होता है पैनक्रियाटिक लाइपेज। तीन टाइप के एंजाइम्स जो है पैनक्रियाज से सिक्रीट होते हैं। सबसे पहला है प्रोटीएज जो प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट है एमाइलेज जो शुगर का पाचन करता है, और तीसरा बचता है लाइपेज जो फैट का पाचन करता है, ठीक है। ये तीनों ही एंजाइम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हॉर्मोन। तो इसी के साथ जो पेनक्रियाज का आपका टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। इससे बाहर पेनक्रियाज में से कोई क्वेश्चन नहीं आता आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर रेजेस बाय अबाउट 5.5 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट अबव द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, द कंडीशन इज नोन एज। पूछा गया है कि जब मानव शरीर का तापमान सामान्य मानव तापमान से अधिक, इतना अधिक हो जाए, इस स्थिति को क्या कहते हैं हम। देखो अगर थोड़ा सा जैसे हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो 100 या 102 105 तक चला जाता है तो हम उसे नॉर्मल बुखार कहते हैं कि थोड़ा सा बुखार हुआ है। लेकिन जब इस प्रकार की कंडीशन हो जाती है तो उसे हम कहते हैं हाइपरपायरेक्सिया, कि अति ज्वर उस कंडीशन को कहा जाता है। पायरेटिक्स क्या होते हैं, पायरेटिक्स वो होता है जो बुखार के अंदर आप जो मेडिसिन खाते हैं उन मेडिसिन को पायरेटिक्स कहते हैं, ज्वर नाशक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएमओ स्टैंड फॉर, आईएमओ की फुल फॉर्म पूछी गई है। आईएमओ जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर है लंदन के अंदर, लंदन की यूनाइटेड किंगडम शहर के अंदर है। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में, वॉशिंगटन डीसी जो अमेरिका में है। नेक्स्ट है द रिमोट सेंसिंग लूनार सैटेलाइट चंद्रयान वन वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर, सुदूर संवेदन चंद्र उपग्रह चंद्रयान वन किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान वन की बात करें तो यह लॉन्च किया गया था 2018 में। ये क्वेश्चन अब इतना रेलेवेंट नहीं है, क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अभी आपने अगस्त के महीने में देखा कि चंद्रयान टू लॉन्च हो चुका है। तो बेसिकली अगर एग्जाम होता है तो एग्जाम में क्वेश्चन जो है 2008 वाला नहीं पूछा जाएगा आपसे। इस क्वेश्चन को चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, आपसे चंद्रयान टू के बारे में पूछा जाएगा। चंद्रयान टू का जो जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी एमसीक्यूज आप ढूंढ के पढ़ सकते हैं इसके बारे में, आपके लिए अच्छा होगा। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है वो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर जो यूज़ किया गया था वो यूज़ किया गया है GSLV Mark 3, ये आपको याद रखना है। दूसरा इम्पोर्टेंट, काफ़ी न्यूज़ में रहा था, चर्चा में रहा था, विक्रम लैंडर जो है उससे कॉन्टैक्ट खत्म हो गया था, तो आपको लैंडर याद रखना है कि लैंडर का नाम क्या था, विक्रम था। ये भी कुछ क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसके अंदर जो कंपोजिशन था चंद्रयान टू, उसमें क्या नया था, इसमें एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर था और एक रोवर था, और चंद्रयान वन में ये तीनों चीज़ें नहीं थी, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लैंडर का नाम मैंने आपको बता दिया कि विक्रम है, और रोवर का नाम यहाँ पे प्रज्ञान है, प्रज्ञान। ये चंद्रयान वन के बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज ये इतना अभी रेलिवेंट नहीं है। तो चंद्रयान टू के बारे में ज़्यादा पढ़ोगे तो ज़्यादा फायदा होगा आपको। हु अमंग दी फॉलोइंग सर्व्ड एज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में कार्य किया है। तो फर्स्ट होम मिनिस्टर का नाम क्या होगा, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका सही आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इनको जो सरदार नाम का जो टाइटल है, इनका पूरा नाम था वल्लभ भाई पटेल, लेकिन इनके नाम के आगे सरदार लगाया गया, वो किनके द्वारा लगाया गया, महात्मा गांधी ने इनको ये टाइटल दिया था सरदार का।
कब दिया था? अब इवेंट भी पूछ सकते हैं। तो बारदोली सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद गांधी जी ने इनको ये टाइटल दिया था। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बारदोली सत्याग्रह में लीडर कौन थे, किसने बारदोली सत्याग्रह को आयोजित किया था? तो इसका आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल ने आयोजित किया था। कैप्चा इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम। कैप्चा, कैप्चा शब्द से कुछ आपको याद आ रहा होगा, हम कोई भी फॉर्म भरते हैं, कोई भी फाइनल सबमिशन करते हैं तो एक कैप्चा जरूर आते हैं, उनको हमें देख के टाइप करना होता है, बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग भी लगता है कभी कभी। तो कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, जो क्या इसको मतलब क्या होता है, क्यों आप इतना टाइप करते हो उसके अंदर, ताकि वो ये जानना चाहते हैं कि एक ह्यूमन बींग काम कर रहा है कंप्यूटर पे या आपके कंप्यूटर पे कोई रोबोट काम कर रहा है, ठीक है। इस वजह से वो कैप्चा आपको दिए जाते हैं। आंसर होगा ए, कि मानव इनपुट को मशीन इनपुट से अलग करने के लिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कि पता लगाने के लिए कि जो आप कंप्यूटर या प्रोग्राम जो यूज कर रहे हैं वो आप ह्यूमन बीइंग है या एक आप रोबोट है, इस वजह से वो कैप्चा दिए जाते हैं आपको। ये देखिए, इस प्रकार के आपको देख के टाइप करना पड़ता है, आपको यहाँ क्लिक करना पड़ता है, आई एम नॉट अ रोबोट, तो ये कैप्चा कहलाता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप। निम्नलिखित में से कौन एक समूह से संबंधित नहीं है? अगेन वही क्वेश्चन आ गया है। सबसे पहले देखो कि समझो मालवेयर। मालवेयर का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई फाइल, ऐसा कोई लिंक, या ऐसी कोई फोटो, या ऐसा कोई एक प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर को डैमेज कर देता है, आपके कंप्यूटर में एक तरीके का वायरस आ जाता है, वो कहलाता है मालवेयर। मालवेयर के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे प्रकार होता है ट्रोजन नाम होता है, फिशिंग होता है, रैंसमवेयर होता है। स्पैम जो है मालवेयर का एक प्रकार नहीं होता है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, स्पैम जो है वो इन सबसे अलग है, क्योंकि फिशिंग और रैंसमवेयर जो है मालवेयर का ही प्रकार है, स्पैम जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। स्पैम क्या होता है, आपने कभी फेसबुक पे इनबॉक्स देखा होगा या मैसेज बॉक्स में भी आपने स्पैम मैसेजेस देखे होंगे। तो जो अनवांटेड, ऐसे समझो कि अनवांटेड मैसेजेस हैं जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, उन वो जब मैसेजेस आपके पास आते हैं तो आपके स्पैम बॉक्स में चले जाते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है इसके बारे में सही है? वाटर के बारे में बताया गया है। वाटर का फॉर्मूला होता है देखो H2O, ठीक है। अब देखो एक इम्पोर्टेंट बात मेरी सुनो, ध्यान से देखना, कि अगर मैं H2 है, जैसे मैं इसको H लिख दूँ, H से ये क्या होगा, ये एक एटम हो जाएगा कि हाइड्रोजन का एक एटम है, ठीक है। जैसे मैंने O को लिखा कि ऑक्सीजन का एक एटम है, ठीक है, क्लियर है बात। लेकिन जब मैं इसको साथ में लिखती हूँ H2O, हाइड्रोजन भी दो है और ऑक्सीजन भी एक है, इन दोनों को जब मैं मिलाती हूँ तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कंपाउंड, वो कहलाता है कंपाउंड, या आप उसको, हाँ कंपाउंड कहलाता है, ठीक है। तो वाटर क्या है, एक कंपाउंड है ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का। दोबारा से समझ लेते हैं, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। H2O है, जैसे अगर सिर्फ H लिखा होगा या O होगा तो हम कहेंगे कि ये एक एटम है। अगर H2 लिखा होगा, O2 लिखा होगा, हम कह देते हैं कि ये एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन का एक एलिमेंट है। लेकिन जब आप इसको पूरा जोड़ के लिखते हो H2O, NaCl, KCl, H2SO4, ये सब क्या कहलाते हैं, कंपाउंड कहलाते हैं। आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर। निम्नलिखित में से कौन उपग्रह सेवा प्रदान करता है? तो सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर का काम करता है इंटलसैट। इंटलसैट नाम आपको याद रखना है, ये जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम है, भा कम्युनिकेशन सैटेलाइट है एक। नेक्स्ट है, रुपी 1 एंड 2 कॉइन्स आर मेड अप ऑफ। 1 और 2 रुपए के जो सिक्के आप देखते हैं उनका निर्माण जो है वो किस चीज से होता है? तो काफी इंटरेस्टिंग है, शायद नहीं पता होगा बहुत बच्चों को, इसका निर्माण होता है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। पहले क्या होता था कि क्यूप्रोनिकल एलॉय से भी होता था, लेकिन अब फिलहाल 2019 की बात करें तो ये होता है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से। ये देखिए जो स्टील आप देख रहे हैं, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील इन पे लगी होती है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाई यूनेस्को इन 1985 फॉर इट्स यूनिक नेचुरल इन्वायरमेंट। यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है 1985 के अंदर, किनको किया है ये आपसे पूछा गया है, उनके जो यूनिक नेचुरल इन्वायरमेंट है उनके लिए इनको जो है सिलेक्ट किया गया है। इसके लिए आंसर होगा मानस वन्य जीव अभयारण्य असम, आपका बी जो है ऑप्शन का सही आंसर होगा।
किसके लिए फेमस है, अगर पूछा जाए कि किसके लिए फेमस है, तो वाटर बफेलो, पानी में जो बफेलोज रहती हैं उनके लिए काफी फेमस है। बाकी नाम आप पढ़ सकते हैं, सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है, एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र में है, चापनेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान गुजरात में है। तो आप इनके जो ये है राज्य जो है वो भी याद रख सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वीमेन टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट, पहली ऐसी महिला जो किसी भारतीय राज्य की पहली मुख्यमंत्री महिला है, ये आपसे पूछा गया है। इसके लिए सही आंसर होगा, ये आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं ये जो है यूपी की सीएम रही थी, और इनका कार्यकाल जो है वो कब से कब तक था, 1963 से 67 के बीच में। इनका नाम है सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की सीएम थी ये, पहली महिला मुख्यमंत्री बनने वाली है, ये बनने वाली थी। तो सुचेता कृपलानी यहाँ पे सही आंसर होगा आपका। ओसामा बिन लादेन वॉज किल्ड बाय यूएस फोर्सेज इन 2011 इन द पाकिस्तान टाउन ऑफ। ओसामा बिन लादेन जो कि अलकायदा, इनका एक टेररिस्ट ग्रुप था अलकायदा, उसके ये सरगना थे, हेड थे, इनको मार गिराया था जब ओबामा की सरकार थी अमेरिका के अंदर, तो उन्होंने पाकिस्तान के एक शहर में घुस के ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। उस शहर का नाम है बिलाल, सेकंड आपका याद रखना है, बिलाल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 वॉज ऑर्डर्ड बाय। 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है उसका आदेश किसके द्वारा दिया गया था, बंगाल का विभाजन जब होता है 1905 में, उस समय जो गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश के, उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। बहुत बार मैंने आपको अपने पिछले क्वेश्चंस में इसको बताया है कि लॉर्ड कर्जन जो है वो सही आंसर होगा, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में, भारत के आखिरी वायसरॉय कौन थे, लास्ट वायसरॉय कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और अगर बात करें सबसे पहले वायसरॉय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग पहले लॉर्ड कैनिंग थे वायसरॉय, और आखिरी कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं इनके नाम से। आरबीआई इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर, बहुत इजी क्वेश्चन है ट्रस्ट मी। आरबीआई किसका नियामक प्राधिकरण है, इसका जवाब आपको ही देना पड़ेगा, थोड़ा सा ऑप्शन को पढ़ो और इजिली आप इसको आंसर कर सकते हैं। आरबीआई किसको कंट्रोल करता है, सिर्फ बैंक्स को कंट्रोल करता है, बैंक के लिए जिम्मेदार होता है, तो ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी था, इतने सारे ऑप्शंस आपको पढ़ने को मिल रहे हैं, बट बैंक जो है सिर्फ बैंक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो फर्स्ट जो है हमारा सही आंसर होगा आरबीआई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल कुंभ सेवा ऐप इज लॉन्च बाय। रेल कुंभ सेवा ऐप जो रेल यात्रियों के लिए उनकी सर्विसेज के लिए एक ऐप जो बनाया गया है, उसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, कहाँ पे लॉन्च किया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। आंसर होगा आपको उत्तर मध्य रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है हमारा कि वेब पेजेस आर रिटन यूजिंग, वेब पेजों को किसका प्रयोग करते हुए लिखा जाता है। वेब पेजेस हमेशा याद रखना HTML के प्रयोग से लिखे जाते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखो बेसिकली जो कंप्यूटर वाला सेक्शन है उसमें से आपसे फुल फॉर्म ज़्यादातर पूछी जाती हैं, तो ये चारों ऑप्शन में जो भी फुल फॉर्म दी गई है सारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इन चारों को मैं आपको लिख देती हूँ इनके नाम, तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। URL की फुल फॉर्म क्या होती है, URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और FTP की फुल फॉर्म क्या होती है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म हम क्या लिखेंगे, फाइल को ट्रांसफर करने का एक प्रोटोकॉल होता है FTP। ये चारों ही डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट सॉरी फुल फॉर्म्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिकेटर टू हिट 6 sixes इन एन ओवर इन वर्ल्ड कप T20 वॉज। विश्व कप T20 के एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले क्रिकेटर कौन से हैं। तो क्रिकेट लवर्स के लिए क्वेश्चन स्पेसिफिकली हमने बनाया है हमारी टीम ने, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, कौन से खिलाड़ी हैं उनका नाम आपको यहाँ पे बताना है। इसके लिए आंसर होगा युवराज सिंह, सेकंड आपका सही आंसर होगा, युवराज सिंह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है,
न्यू स्टार स्पेस बेस्ड एक्सरे टेलीस्कोप कंडक्ट डीप सर्वे फोर। अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप न्यू स्टार किस पर गहन सर्वेक्षण करता है, इस प्रकार का ये दिखाई देता है, और ये किस पे इसका सर्वेक्षण करता है, ब्लैक होल्स का। ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा, ब्लैक होल्स यहाँ पे आपको याद रखना है न्यू स्टार के नाम से। वो अपॉइंट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया, भारत के किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। आर्टिकल 155 के अंदर ये कहा गया है कि किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, हमारे राष्ट्रपति करेंगे। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, प्रेसिडेंट हो और गवर्नर हो, इन सब का मिनिमम आयु कितनी चाहिए होती है, 35 वर्ष चाहिए होती है। गवर्नर का काल कितने टाइम तक रहता है, वैसे तो 5 वर्ष के लिए रहता है, लेकिन गवर्नर का जो कार्यकाल रहता है वो प्रेसिडेंट की प्लेजर पे डिपेंड करता है, लेकिन माना कितना जाता है, 5 साल के लिए गवर्नर का कार्यकाल होता है। इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग दी फॉलोइंग इज अ मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। चाय का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है असम, बिल्कुल सही बात है। असम के बाद याद आता है दार्जिलिंग, बिल्कुल सही बात है। तो आपकी सीरीज जो मैं आपको बता रही हूँ, सीरीज थोड़ी सी याद रख लो। सबसे पहले होता है असम, जो टी प्रोड्यूसिंग हमारा जो स्टेट है, फिर नाम याद रखना वेस्ट बंगाल, फिर नाम याद रखना तमिलनाडु, और फिर याद रखना केरल। ठीक है, ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। तो आपका आंसर यहाँ से ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है, वेस्ट बंगाल, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, नंबर 1 पे है असम। इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड टू एब्जॉर्ब हीट इज अ प्रिंसिपल यूज्ड बाय। उष्मा का अवशोषण करने के लिए तरल पदार्थ का वाष्पीकरण एक सिद्धांत है जिसका प्रयोग किसमें किया जाता है। इवेपोरेशन का जो ये सिद्धांत आप देख रहे हैं, ये हमेशा यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर के अंदर, तभी तो जो फ्रिज हमारे रेफ्रिजरेटर्स होते हैं वो ठंडे रहते हैं इवेपोरेशन की वजह से। अब इस क्वेश्चन को घुमा के देखो कि रेफ्रिजरेटर जो ठंडा होता है, फ्रिज हमारे ठंडे रहते हैं, क्यों रहते हैं, किसकी वजह से, इवेपोरेशन की वजह से, वाष्पीकरण, दोनों ही टाइप से क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि हुम डिड महात्मा गांधी कंसिडर्ड हिज पॉलिटिकल गुरु और मेंटर। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक किसे मानते थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। वो मानते थे महात्मा गांधी भी और साथ में मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे, वो मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, द यंग वन ऑफ अ क्रोकोडाइल इज। मगरमच्छ के बच्चों को क्या कहा जाता है, बताइए। मगरमच्छ के बच्चों को मगरमच्छ ही कहा जाता है, लेकिन उन्हें एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, वो नाम होता है हैचलिंग। ऑप्शन 4 हैचलिंग आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। विच ऑफ दी फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दी ग्रुप। निम्नलिखित में से कौन एक समूह से संबंधित नहीं है। आपको 4 यहाँ पे नाम दिए गए हैं, 4 देशों के, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान। आपको पहचान करनी है इन 4ों में से एक कौन सी ऐसी समानता नहीं है, उसी के साथ वो आपका आंसर हो जाएगा। इसके लिए आंसर होगा, देखिए, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, ये भारत के जो पड़ोसी देश है, कौन से डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, कुछ ईस्ट में भी हैं, कुछ नॉर्थ में भी हैं। ठीक बात हुई यहाँ पे। लेकिन श्रीलंका की लोकेशन देखो कहाँ पे है, श्रीलंका कहाँ पे, बिल्कुल साउथ में है, तमिलनाडु से भी आगे श्रीलंका है। तो इन 4ों में से अलग कौन सा हो, श्रीलंका हमारा अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है, डायरेक्शन है, वो साउथ में है। बाकी 3ों की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ या ईस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। इकलौता श्रीलंका ऐसा है जो साउथ के अंदर है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा अलग है, और यही आपका आंसर हो जाएगा श्रीलंका यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन। निकट क्षेत्र संचार किस पर आधारित होता है, तो बताइए। निकट फील्ड कम्युनिकेशन के लिए आपको किस टाइप की फ्रीक्वेंसीज चाहिए होती हैं। आपको जिस टाइप की फ्रीक्वेंसीज चाहिए होंगी, वो हमेशा चाहिए होती है शॉर्ट रेंज, क्योंकि डिस्टेंस भी आपका कम है, तो शॉर्ट रेंज हाई फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे चाहिए होती है। किसके लिए, एक निकट क्षेत्र संचार के लिए। इजी क्वेश्चन था, फ्रीक्वेंसी हाई चाहिए होगी। देखो अगर ऐसे इसको समझो, नियर फील्ड मतलब पास के क्षेत्र की बात की गई है, तो शॉर्ट रेंज चाहिए होगी आपको। ठीक है, आपको एक छोटी दूरी चाहिए होगी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन फ्रीक्वेंसी आपको कैसी चाहिए होगी, हाई चाहिए होगी। ये इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं, इस टाइप से फ्रीक्वेंसी हाई चाहिए होती है। और आपको जैसे हम ब्लूटूथ वगैरह यूज़ करते हैं, कैशलेस पेमेंट करते हैं, कोड स्कैन करते हैं, उसमें आपकी दूरी जो है निकट चाहिए होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत हाई चाहिए होती है। आपको अच्छा नेट चाहिए होता है, अच्छा वाईफाई चाहिए होता है,
तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा द टाइप ऑफ फॉरेस्ट दैट इज मोस्ट वाइड स्प्रेड इन इंडिया, भारत में सबसे ज्यादा एरिया में फैले हुए वन कौन से हैं। तो ये वन है पर्णपाती वन, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। पर्णपाती वन जो है भारत के, इन्हें किस नाम से जाना जाता है, मॉनसून या बरसाती वन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन में अगर मॉनसून फॉरेस्ट होता है, बरसाती वन होता, तो आपका आंसर जो है मॉनसून होता। ठीक है, यहाँ पे कितनी वर्षा होती है, 70 mm से यहाँ पे 200 mm तक वर्षा होती, इतनी ज़्यादा वर्षा यहाँ पे होती है। नेक्स्ट है हमारा कि नासा, नासा भारत के कॉन्टेक्स्ट में नहीं पूछा गया है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे स्थित है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, नासा और इसरो, देखो ना, जो भारत की जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु के अंदर है। कहाँ पे है, बेंगलुरु के अंदर है। नासा जो है अमेरिका का स्पेस रिसर्च सेंटर है, उसका जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी के अंदर। वॉशिंगटन डीसी कहाँ पे है, अमेरिका के अंदर है। ठीक है, और भारत का जो है वो इसरो है, और इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन इज दैट कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। इसके लिए आंसर क्या होगा, बहुत ही फेमस परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, बेसिकली एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट करके भी पूछा जाता है। इसका आंसर होगा तमिलनाडु, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु के अंदर ये लोकेटेड है। हु प्लेड अ की रोल इन द रिवाइवल ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके लिए आंसर क्या होगा आपका, 2002 में जो इसका पुनर्निर्माण किया गया था, ठीक है, वो किया था अमर्त्य सेन का, बहुत बड़ा इसके अंदर योगदान रहा था, ये आप उनकी तस्वीरें देख सकते हैं। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको ये बता दूँ, ये पहले इतिहास की बात करें तो बौद्ध धर्म का एक केंद्र हुआ करता था, जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता था, बुद्धिज्म सेंटर था। दूसरी बात यह आपको याद रखनी है, इसका निर्माण कब करवाया गया था, तो गुप्ता एम्पायर का जब कार्य का साम्राज्य था उस वक्त नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ था। किन्होंने इनका निर्माण करवाया था, कुमार गुप्त फर्स्ट ने, जो गुप्ता एम्पायर के शासक थे, उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, बिहार के अंदर, उसका निर्माण करवाया था। बाद में फिर जैसे बिहार पे अटैक होते गए, मोहम्मद गोरी ने भी अटैक किए, जो बाहर से लोग आते थे वो अटैक करते थे, उसमें नालंदा यूनिवर्सिटी जो है थोड़ी सी खराब हो गई थी, क्षति पहुंच गई थी इसको। बाद में फिर जो इसको रेनोवेट करवाया है, रिवाइवल करवाया है, वो करवाया है अमृत सेन, ऑप्शन फोर यहाँ पे आपका सही आंसर है। डायलिसिस इज परफॉर्म फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, डायलिसिस का प्रयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है। डायलिसिस क्या होता है ये समझो पहले इसका, हमारी किडनी का, जो किडनीज हमारी होती है, किडनी का फंक्शन क्या होता है, हमारा दो किडनीज होती है हमारी, जो हमारे बॉडी में वेस्ट बनता है, जैसे यूरिन हुआ, ठीक है, यूरिन हुआ, हम स्टूल पास करते हैं, यूरिन पास करते हैं हमारे शरीर से, और भी जो हानिकारक केमिकल्स या हमारे शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको हमारे शरीर से बाहर निकालता है किडनी, ये किडनी का फंक्शन होता है। तो अगर किसी व्यक्ति में मान लो उसकी किडनी खराब हो जाएगी, उस वक्त क्या होगा कि जो भी वेस्ट पदार्थ बाहर निकलने होंगे उस व्यक्ति में, यूरिन मतलब यूरिन भी पास आउट नहीं होता उसके शरीर से, तो सारे जो जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो उसके शरीर में जमने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि शरीर से बाहर तो निकल नहीं पा रहे हैं। इस कंडीशन में कहते हैं कि आपकी किडनी खराब हो गई। किडनी खराब होने का मतलब ये नहीं कि किडनी खराब बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, किडनी खराब का मतलब होता है कि किडनी के जो फंक्शंस है वो किडनी नहीं कर रही है, जैसे कि यूरिन को बाहर निकालना, जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर निकालना, वो नहीं हो रहे हैं। उसके लिए क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल किडनी यूज़ की जाती है, जैसे कि डायलिसिस। डायलिसिस का मतलब क्या होता है, जब आपका किडनी फेल हो जाती है उस वक्त आपके शरीर में आर्टिफिशियल किडनी के रूप में ट्रांसप्लांट नहीं, एक मतलब प्रोसेस करवाया जाता है, जिससे आपके शरीर के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो सारे आपके शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसा कुछ मैकेनिज्म होता है कि आपके शरीर में हर वीकेंड पे आई थिंक होता है डायलिसिस, या हर 10 दिन में समथिंग कुछ, कि आपके शरीर का जितने भी खराब प्रोडक्ट्स है आपके शरीर का पूरा खून बदल के, पूरा ब्लड आपका चेंज करके आपको हर वीकेंड पे नया ब्लड चढ़ाया जाता है, ताकि आपके ब्लड में जितने भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स थे वो सारे आपके शरीर से बाहर निकाल दिए जाए। तो डायलिसिस का संबंध स्पेशली होता है किडनी से। रीनल फेलियर जो है आपका सही आंसर होगा, किडनी फेलियर, ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पे सही आंसर है।
उम्मीद करती हूँ आज का सेशन जो है आपको समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेली इनको प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं वीडियो को एक बार देखा और फिर छोड़ दिया, वो आपको कभी याद नहीं रहेगा, इनफैक्ट किसी को याद नहीं होता है। आपको 3 से 4 बार एक वीडियो को देखना है तो आपको इजीली अच्छे से याद हो जाएगा, आपको नोट्स भी नहीं बनाने पड़ेंगे। मैं आपको पूरा यकीन दिलाती हूँ कि आप जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और आपको एक या दो बार भी अगर देखोगे तो चीज़ें याद रह जाएंगी, ठीक है। और अपना स्कोर कितना बनता है आपका 34 क्वेश्चन में, उसको ज़रूर मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच एंड दैट्स ऑल फॉर द टुडे।